क्योंकि हमारे पास कभी कभार ये होता है डुप्लीकेट एंट्री आ जाती है, दोस्त नेम दो हो सकते हैं लेकिन आई पी सेम हो जाती है, तो फिर वो फिर तो देखो ना डुप्लीकेट उसका क्या हल है, उसका जो ये जो एनिमल स्कैनिंग का होता है ना उसका टाइम कम कर दो, ठीक हो गया था, ठीक है, इसका टाइम कम कर देगा ना, ठीक है, तो वो जो रेप्लिकेट एंट्री होती है ना डुप्लीकेट वो उसको थोड़ा हो गया। अच्छा उसको हाँ। तो ये होता है मैनुअल जा के ना ढूंढ के यार ये वैसे तो फंक्शनलिटी होती है, लेकिन ये जब तक क्योंकि एनजीम और स्कैनिंग में ये एंट्रीज पड़ी होती है, ठीक है, ये उसके टाइम फ्रेम में लिमिट होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं आपके जो ओल्ड रिकॉर्ड होते हैं ना उसको टाइम फ्रेम में सेव करते हैं, देन उसके बाद उसको निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हो रही है, इसको फौरी तौर पर देखते जाए, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें करता है, ठीक है, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है एक लाइव इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे करा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से डी एन एस की सर्विस को रिस्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, स्टॉक करना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं, ठीक है, बस कर हमें कैशियर में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, कैशियर से क्लियर करना चाहते हैं, जिस तरह आप ड्यू एंट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या करें सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि एक दफा कैशियर को क्लियर करते हैं, ठीक है, वो कैशियर भी क्लियर करते हैं, कैशियर क्लियर करने से भी आपके एप्लीकेशन का एरर जो है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है, वैसा नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज में, ठीक है, एक तो ये आ गया, ये आपके डस्ट लिस्ट रेजोल्यूशन, इवन के गूगल भी यूजर का वो देर से फोटो आता है,